नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स की हेल्दी इडली। इसमें ढेर सारी सब्जियों का यूज करेंगे। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार होंगी और इसके साथ हमने बनाई है टेस्टी सी चटनी, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। ओट्स की इडली बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। ये आधा कप हमने ओट्स ले लिए हैं, रोस्टेड ओट्स है, और आधा कप बेसन। बेसन की जगह सूजी भी डाल सकते हैं। आधा कप दही। दही से सूजी फर्मेंट होकर फूलती है, और दही की जगह आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इनको मिला लेते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो इस दही के कप में ही पानी डाल लेते हैं। ये 3 टेबलस्पून पानी ले लिया है मैंने, तो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ये हमने गाढ़ा सा बैटर बना लिया है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में मिला लेंगे। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ओट्स फूल जाएंगे। और जब तक हमारे ओट्स फूल कर तैयार होते हैं, तब तक हम इडली के लिए चटनी बना लेते हैं। ये है ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल आधा कप, और ये भुने हुए चने 1/4 कप। इसकी जगह आप भुने चने की दाल भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 2 हरे मिर्च और आधा नींबू। जब हम नारियल लेकर आते हैं तब हम उसे बहुत दिनों तक रखकर यूज नहीं कर सकते, उसे ग्रेट करके फ्रीजर में रख लीजिए। और जब भी चटनी बनानी है, फ्रीजर में से थोड़ी देर पहले निकालिए और चटनी बना लीजिए। और ये चने, नमक, मिर्च को बड़ा बड़ा काट के डाल देते हैं और नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। और ये हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देते हैं। और अब इसे हल्का दरदरा पीसेंगे। चटनी बनाने में हमने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी यूज किया है। चटनी पीस कर तैयार कर लिए। चटनी के लिए तड़का बनाकर तैयार करते हैं। पैन गरम करते हैं और इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। तेल गरम हो गया, इसमें 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देते हैं। और ये 2 लाल मिर्च, फ्लेम एकदम धीमी है। और अब डालेंगे हम ये 10-12 करी पत्ता। गैस बंद कर देते हैं। और ये लिए हमने 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे चटनी का कलर अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये तड़के में हमने मिला दी, और ये तड़का डालेंगे अब चटनी में। मिक्स कर देते हैं। तो ये चटनी तैयार हो गई, और इतनी देर में हमारा ये बैटर भी फूल कर तैयार हो गया है। कितना गाढ़ा लग रहा है अभी ये। और इन इडली को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम मिलाते हैं इसमें सब्जियाँ। ये 1/4 कप हमने बारीक काट कर गाजर लिए हैं, और ये 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। इसमें थोड़ा तीखा स्वाद देने के लिए 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। मिला देते हैं इन्हें। बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। अच्छे तरीके से मिला दीजिए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इडली के लिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और पतली भी नहीं है। और ये बैटर बनाने में हमने 1/2 कप पानी लिया था, 2 टेबलस्पून पानी इसमें बचा हुआ है। बैटर तैयार हो गया। अब इडली को कुक करने की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक ये बर्तन ले लिया, और इसमें हम 2.5 कप पानी डाल देंगे और इसे गर्म कर लेते हैं। ढक देते हैं ताकि जल्दी से इसमें भाप बनने लगेगी। हम ये इडली इन प्लेट्स में बना रहे हैं, तो इन्हें ग्रीस कर लेते हैं। और अब सबसे लास्ट में हम बैटर में डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। तो ये लिया है हमने 3/4 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। इसे मिला देंगे अच्छे तरीके से। और ये देखिए, इनो डालते ही ये बैटर फूलने लगा। और अब ये बैटर हम इन प्लेट्स में भर लेंगे। और अगर थोड़ा सा बैटर बच जाए तो उसका बाद में नॉनस्टिक तवे पर छोटा सा चीला बना लीजिए। पानी में अच्छे से भाप बन रही है, फ्लेम को हमने एकदम धीमा कर दिया है,
ताकि भाप थोड़ी कम बने, और ये प्लेट्स हम इसमें लगा देते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, पानी में भाप बनते रहनी चाहिए, और मीडियम फ्लेम पर हम इडली को 12 मिनट तक कुक होने देंगे। इसे हमने 12 मिनट कुक कर लिया, चेक कर लेते हैं। ये कुक तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाइफ इनमें डाल के देख लें, और नाइफ पर बैटर बिल्कुल नहीं है। हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, इडली की प्लेट को निकाल कर जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो ये थोड़ी ठंडी हो गई, तो हम इन्हें प्लेट में से निकालते हैं। तो चाकू के उल्टे तरफ से हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है ये। तो सारी इडली हम निकाल लेते हैं। इन्हें आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, और इनका थोड़ा टेस्ट बढ़ाना है तो इनके ऊपर तड़का बनाकर डालेंगे। तो हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का पैन में हम 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल देते हैं और गरम कर लेते हैं। 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। सरसों भुनने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और ये 6-7 करी पत्ता डाल देंगे। और अब इस तड़के को इडली के ऊपर डालेंगे। आप चाहें इसमें 1 छोटी चम्मच तिल भी डाल सकते हैं। ओट्स की इडली बनकर तैयार है। इन्हें हमने प्लेट में बनाया है, आप इन्हें कटोरी में बना सकते हैं या इडली स्टैंड में बना सकते हैं। बहुत अच्छी इडली बनकर तैयार होंगी। और इसके साथ हमने बनाई है टेस्टी सी चटनी। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बना है ये। बनाने में बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इसका बैटर बना रहे हैं तो सारी चीज़ें नाप करके लें और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। इनो सबसे बाद में मिलाएं और इन्हें कुक करने के लिए रख दें। 12 से 14 मिनट तक कुक करें, इडली कुक होकर तैयार हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी ओट्स इडली बनकर तैयार होंगी। तो आप ये इडली ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खताई, ये ग्लूटेन फ्री नान खताई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खताई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खताई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।